अफवाहें दम तोड़ के ही वजीरिस्तान दहशतगर्दी की लपेट से निकलकर आमन और सियाहत की जानब गामजन है। जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद अंगूर अड्डा कस्टम टर्मिनल पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत तेजी से बढ़ने लगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात के लिए इश्तियाक गोंदल की खसूसी रिपोर्ट देखिए। जी मैं इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा के मुकाम पर मौजूद हूं और ये मेरे पस मंज़र में आपको जो ट्रक नज़र आ रहे हैं ये इस्तेमाल होते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारत है उसको बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर हमने जनूबी वज़ीरिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वक्त ऐसा था जब जनूबी वज़ीरिस्तान के ये जो इलाके थे मुख्तलिफ इलाके ये दहशत गर्दों का गढ़ समझे जाते थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने बहुत सारे ऑपरेशन किए और उन ऑपरेशन के नतीजे में बड़ी तादाद के अंदर जो दहशत गर्द अनासर थे उनको अलग किया गया और कुछ यहाँ से भागकर अफगानिस्तान चले गए, लेकिन अब यहां पर अमन बहाल हो चुके हैं। तो कुछ अरसा कबल वजीरिस्तान दहशतगर्दों का मरकज था। उस वक्त शिद्दत पसंद अनासर ना सिर्फ सरकारी अमलाक पर हमले कर रहे थे बल्कि मुख्तलिफ शख्सियात को भी मुसलसल निशाना बना रहे थे। पूरे इलाके में इतना खौफ फैल गया था कि दीवारों और दरख्तों के सायों से भी डर लगता था, मगर फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन किए और इन ऑपरेशन के नतीजे में बहुत से शिद्दत पसंद और गैर मुल्की मारे गए और बहुत से इन इलाकों को छोड़कर अफगानिस्तान भाग गए। लेकिन अब वजीरिस्तान बदल चुका है। अब हमें जनूबी वजीरिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस, हस्पताल और बेहतरीन सड़कें नजर आ रही हैं। इस तब्दीली के हवाले से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर जनूबी वजीरिस्तान अमजद मेराज ने कहा कि तो मैं ये अर्ज करूं कि यहाँ पे 3-4 किस्म के हमारे प्रोजेक्ट्स या फेजेस चल रहे हैं। एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, रिहैब फिक के फेजेस चल रहे हैं और पिछले 3 सालों का मैं आपको फिगर दूं तो 25 से 28 अरब रुपए लग चुके हैं इन एरियाज़ में। कि यहाँ पे स्कूल जो तबाह हो गए थे, जो नए बनाने थे, इसी तरह हॉस्पिटल थे, इसी तरह रोड्स थे, इसी तरह लोगों को एक्सेस टू फैसिलिटीज़ देना था, अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, लोगों की अपलिफ्टमेंट थी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी, अपना क्लीन अपना ड्रिंकिंग वाटर था। तो ये सारे फेजेस पे और इवन इंक्लूडिंग अपना टूरिज्म पे काम इस वक्त हो रहा है। अफगान हुकूमत माजी में अंगूर अड्डा और इसके साथ वाकया पाकिस्तानी इलाके पर दावेदारी जाहिर करती नजर आती थी, जिसकी वजह से अक्सर औकात इस चेक पोस्ट पर कशीदगी भी रही। लेकिन अब अंगूर अड्डा कस्टम टर्मिनल पर न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली तिजारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है बल्कि बेहतरीन इकदाम की बदौलत अब अंगूर अड्डा टर्मिनल पर स्मगलिंग भी तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। अंगूर अड्डा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली तजारती सरगर्मियों पर बात करते हुए डिप्टी कलेक्टर कस्टम जनूबी वजीरिस्तान उमर जहद ने कहा कि रेवेन्यू पोटेंशियल ये कि हमने एक साल में इसको तकरीबन 0.8 बिलियन रुपीस के ड्यूल टैक्सेस एनहांस किए हैं। पहले यहाँ पे थे तकरीबन 0.7 बिलियन 2021 फाइनेंशियल ईयर में, अब हमने इसको 1.7 तक ले गए हैं और एक्सपोर्ट भी बढ़ती जा रही है। तो इसमें मेन चीज़ जो हमें कंसर्न है वो ये कि NLC आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जितना यहाँ पर वो डेवलप होगा और लाइवलीहुड भी लोगों की बढ़ेगी। अभी लाइवलीहुड के चीज़ें ये कि वो लेबर के तौर पर काम होता है तो वो उनको हम डिप्लॉय करते हैं और इसके अलावा ये है कि वो उनको इकोनॉमी का पता चला है कि ड्यू टैक्सेस क्या होते हैं। देखें कस्टम्स की प्रेजेंस के बाद सबसे बड़ा ये हुआ है कि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट यहाँ की होना शुरू हुई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें साथ नेशनल इकोनॉमी को भी देखना है और फिर देखना है बायलेटरल ट्रेड को भी। तो हम माशाल्लाह हमारी पूरी जॉब ये है कि हम अपनी नेशनल इकोनॉमी को सिक्योर करते हुए बायलेटरल ट्रेड को फैसिलिटेट। मल्टीपल चेक्स हैं, पहले यहाँ पर गाड़ियाँ इधर भी जड़ लगता है, इसके अलावा वहाँ पर, और अब हमने आर्मी के साथ और FC के साथ हम 8-10 एजेंसीज हैं यहाँ पर, उनकी प्रेजेंस में गाड़ियाँ खुलती हैं, चेक होती हैं, तो एग्जामिनेशन तो बड़ी थोड़ा हो रही है। लेकिन हम समझते हैं कि स्कैनर्स भी आने चाहिए ताकि मजीद इसको एक्टिव उसको एक्टिवेट किया जा सके। अंगूर अड्डा कस्टम टर्मिनल पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम और तजारती बहाली से जनूबी वजीरिस्तान के मकामी लोगों को भी भरपूर फवायद हासिल हो रहे हैं। अंगूर अड्डा पर रोजाना तकरीबन 200 से 250 गाड़ियों की आमद रफ्त तजारती लिहाज से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फवायद पहुंचा रही है। 25 साल से अंगूर अड्डा के मुस्तकिल रहायशी सैयदुल हसन ने अंगूर अड्डा की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमें बताया गया कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तजारत हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तो ये जो तजारत है इस तजारत से जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको किस हद तक फायदा पहुँच रहा है? सर देखिए, पहले जो कस्टम नहीं आई थी उसी वक्त पे हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के 50 गाड़ी आनी थी, अभी
भी जो है 250 से लेकर 250 तक जो है रोज़ाना गाड़ी आते जाते हैं। 200 से 250 गाड़ियाँ रोज़ाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत के लिए तजारत के लिए यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, और साथ ही हमारे यहाँ पर लोकल लोग जो हैं वो भी इसमें कारोबार करते हैं, उसका मजदूरी भी बढ़ गया है। मतलब उसके चिका करने पे और साथ ही यहाँ पे कोई होटल पे रखने के या कोई टेर बनाने की, चूँकि जब रश होंगे तो खामखा लोगों के कारोबार में इजाफा हो गया। यकीनन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में होने वाले इन बेहतरीन इकदामात की बदौलत जनूबी वज़ीरिस्तान के मकामी लोगों की मुआशी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो एक पुरामन पाकिस्तान और खुशहाल जनूबी वज़ीरिस्तान की ज़मानत हैं। कैमरामैन नुमान आशिक के साथ इश्तियाक गोंदल, रोज़ न्यूज़, अंगूर अड्डा, कस्टम टर्मिनल।